सभी को नमस्ते। अभी हम हिंदी शेयरिंग को शुरू कर लेते हैं। आज हिंदी में तीन शेयरिंग रहेंगी। अभी सबसे पहले हम प्रियंका राय दीदी की शेयरिंग को सुनेंगे और फिर परिवार की शेयरिंग है अखिलेश्वर पांडे भैया और उनकी पत्नी अनुपमा मिश्रा दीदी, दोनों की शेयरिंग प्रियंका दीदी के बाद रहेगी। तो कुमार भैया नमस्ते, क्या हम शेयरिंग को शुरू कर लें भैया? जी शुरू करते हैं। बढ़िया जी दीदी, सभी को नमस्ते। शुरू करते हैं। तो जी जी भैया, तो प्रियंका राय दीदी गाजियाबाद में KIET इंस्टीट्यूशन में हैं और दीदी ने पहला वर्कशॉप 2019 में किया था। तो अभी मैं दीदी से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी अपने बारे में बताएं और अपनी जर्नी को हमारे साथ साझा करें। प्रियंका राय दीदी नमस्ते। जी दी नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, ओवर टू यू दीदी। दी धन्यवाद। तो सुबह के सत्र में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। सबसे पहले मैं अपना परिचय रख देती हूँ। तो मैं प्रियंका राय, जिला मऊनाथ भंजन मऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और अभी मैं लगभग 23 सालों से गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति और दो बच्चे हैं। बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और बेटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, थर्ड ईयर में है। UHV से अपने जुड़ाव की मैं बात करूँ तो 2019 में मेरी यात्रा शुरू हुई थी। और मेरे से पहले मेरे हस्बैंड ने फेस टू फेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उन्हीं के मोटिवेशन से मैंने भी ये प्रोग्राम अटेंड करने का डिसीजन लिया। असल में देखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला था, बहुत सारी सुख सुविधाएं अपने अराउंड इकट्ठी की हुई थी, लेकिन जो वही एक प्रश्न रहता है कि निरंतर सुख कैसे मिले, वो चीज़ दिखती थी। तो बस उसी के तहत मैंने FDP ज्वाइन किया था। तो FDP ज्वाइन करने के बाद लगा कि इस कंटेंट की हेल्प से मानव जीवन को मैं समझ सकती हूँ और निरंतर सुख की तरफ भी मैं अग्रसर हो सकती हूँ। और कंटेंट को सुनने के बाद इसके प्रति विश्वास भी हुआ और आगे इससे जुड़े रहने का भाव भी बना। तो अब मैं अपनी शेयरिंग रखती हूँ। दीदी, जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ मैं। जी दीदी, जी, तो अगर मैं अभ्यास एक की बात करूं तो अभ्यास एक की सहायता से मैं अपने भाव विचार को देख पाती हूं, देखने में सक्षम हूं। और वैसे तो मैंने पहले के भी बैच अटेंड किए थे, लेकिन इस बैच में अपने विश्वास विकास को देखूं तो पहले बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही मेरा ध्यान अपने ऊपर आ पाता था, लेकिन अब दिन में कई बार अपने ऊपर ध्यान आ जाता है, देख पाती हूँ स्वयं को और अपना भाव विचार, आराम की स्थिति, सहजता असहजता मुझे दिख जाती है। कई बार जब परिस्थितिवश विचलित हो जाती हूँ या असहज हो जाती हूँ तो स्वयं की दृष्टा बनकर अपने भाव और डीपली रूटेड मान्यताओं को देख पाती हूँ। यह दिखता है कि इन सब चीजों पर, अपनी मान्यताओं पर, अपने भाव विचार पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है मुझे। और एक्सरसाइज 1 के स्टेप 4 से ये दिखता है कि अपने सुख दुख के लिए मैं ही पूरी तरह जिम्मेवार हूँ। ये तो समझ में अच्छी तरह से आ गया है, लेकिन चूंकि निर्णय का आधार ज़्यादातर मेरी मान्यताएं हैं तो आराम की स्थिति बन नहीं पाती है पूरी तरीके से। और यह भी दिखता है कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहजता देता है, यही मुझे सुख देता है। तो जब जब मैं इन भावों को अपने आप में देखती हूँ तो सुखी महसूस करती हूँ। कई बार जब इस भाव के साथ किसी और से व्यवहार करती हूँ, इसी के साथ सहयोग करती हूँ, तो मुझे दूसरे से कैसा व्यवहार मिले या बदले में सहयोग मिले इस बात की आशा नहीं रहती, बल्कि इस बात की आश्वस्ति रहती है
कि सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं और परस्पर पूरक हैं। प्रकृति में व्यवस्था और सहअस्तित्व में और ज्यादा मेरा विश्वास बन रहा है। यह भी दिखता है कि जब संबंध के भाव के साथ प्रस्तुत होती हूँ तो दूसरे तक मेरे भाव विचार ज्यादा अच्छी तरह से कन्वे होते हैं। इस तरह से संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव में विश्वास बढ़ा है। अभी पूरी तरह आत्मसात हुआ है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह पाऊंगी। बहुत सारी मान्यताएं हैं जैसे मेरा घर, मेरा परिवार, तो इन सब के प्रति अभी झुकाव तो है ही। एक बार सुबह के सत्र में ही किसी साथी ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमारे किसी प्रिय के साथ अनिष्ट हो जाए, या जैसे कोई माँ है और उसके बच्चे के साथ अनिष्ट हो जाए, तो प्रिय के साथ अनिष्ट होने पर या बच्चे के साथ अनिष्ट होने पर हम बहुत विचलित हो जाते हैं, तो इसको कैसे देखें? इस स्थिति में अपने अंदर सहजता असहजता जो रहती है उसको कैसे देखें, कैसे सहज हों? तो चर्चा में आया कि जो सेल्फ मेरे घर में मेरे प्रे की तरह है, बच्चे की तरह जन्म लिया हुआ है, वो दूसरे किसी घर में भी जन्म ले सकता है। तो दिखा मुझे कि मूल बात यह है कि मैं सभी से अपना संबंध देख पाऊं और संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव में जी पाऊं, जो कि एक्सरसाइज 1 का स्टेप 7 है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसको अगर देख पाऊं तो एक निरंतर सुख की स्थिति मिल सकती है, ऐसा दिखता है। अब अगर अभ्यास 2 की मैं बात करूं, सेल्फ के द्वारा शरीर को देखना, तो मुझे दिखता है कि सेल्फ और शरीर 2 अलग-अलग वास्तविकताएं हैं, और स्वयं के केंद्र में, या कहले मानव के केंद्र में, ये सेल्फ ही है, स्वयं मैं ही हूँ। सेल्फ ही है जो बॉडी को समय समय पर आवश्यकता अनुसार इंस्ट्रक्ट करता रहता है। कभी किसी दोस्त या संबंधी की कही हुई बात को मैं अपने संस्कार के आधार पर अर्थ देती हूँ, वैसे ही उसे एनालाइज करती हूँ और उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि मैं सुखी या दुखी होती रहती हूँ। तो इस पर भी मैंने काम करना शुरू किया है कि मुझ तक जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, मैं उसको अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर, के आधार पर रिस्पॉन्ड करूं और उसी के आधार पर अर्थ दूं। तो ऐसा लगता है कि इससे मेरा रिस्पॉन्स भी सही आएगा और स्वयं के अंदर सहजता भी रहेगी। जहां तक बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन की बात है, तो जब कभी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो अब मैं शांत रह पाती हूँ। जैसे बॉडी को ठीक करने के लिए मेडिसिंस या कोई ट्रीटमेंट ले लिया, तो फिर ये विचार आता है कि बॉडी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट तो ले लिया है, थोड़ी देर में सिस्टम ठीक हो जाएगा और फिर मैं सहज हो पाती हूँ। जबकि ऐसा पहले नहीं था, पहले मेडिसिंस या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी असहजता रहती थी कि ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, या ये दवा कब तक असर करेगी, या मुझे हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ऐसी चीजें सोच के मैं बहुत परेशान हो जाती थी और फिर मेडिसिन या ट्रीटमेंट का असर भी ठीक से नहीं होता था। तो अब मैं सहज रह पाती हूँ। जहाँ तक देखा जाए कि प्रभाव है या प्रभाव है, तो इसको मैं अपने अंदर देखूँ तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि मैं तो सुखी ही रहना चाहता है, और कह लें कि सुखी रहना ही इसका स्वभाव है। और सुख तो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव के साथ जीने में है, ऐसा दिखता है। किसी अन्य व्यक्ति से अच्छी बात व्यवहार हो जाए, अच्छा लेन देन हो जाए, इसमें सुख नहीं है, ये दिखता है। बस हर क्षण इसको अपने अंदर देखते रहना है और आत्मसात करना है, और अगर कहूँ तो सुखी होकर जीना है, ऐसा दिख रहा है। अब सुख मेरा स्वभाव है, अगर इस बात को स्वयं में सुनिश्चित करने को देखा जाए, तो
दृष्टा के रूप में जीने के प्रयास में हूँ, सुख को स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए हर क्षण अपने आप को देख पाऊँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ, स्वयं को देख पाऊँ, अपने भाव विचार को देख पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास हो रहा है अभी। पूरी तरह देख पाऊँ ये वाली स्थिति तो नहीं है, अभी प्रयास है। दिन में कई बार ध्यान जाता है जैसा मैंने पहले भी कहा। अब अगर मैं आगे का प्रश्न देखूं कि हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव, संवेदना व भाव जुटाने के अर्थ में है, तो सुविधा जुटाने के लिए मैंने पहले भी कभी बहुत प्रयास नहीं किया है। मैं इसको अपने अंदर असेस करने में या कह सकते हैं देखने में या इस सिलसिले में अपने को ऑब्जर्व करने में गलत भी हो सकती हूँ। हो सकता है कि मेरी कोई मान्यता हो कि मैं सुविधा के लिए बहुत प्रयास नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। अब अगर भाव की बात करूँ तो दूसरों से मिलने वाले भाव के लिए मैं कार्यक्रम तो नहीं बनाती, ऐसी कोशिश तो नहीं रहती है, लेकिन भाव मिलने पर अच्छा तो लगता ही है। ये चीज़ मैं अपने आप में देखती हूँ, देख पाती हूँ और ध्यान भी जाता है, तो इस पर काम करना है मुझे, ऐसा मुझे लगता है। अब अगला प्रश्न है कि हमारा कितना कार्यक्रम मैं के अर्थ में है और कितना शरीर के अर्थ में है। तो अभी तक मैं देखूं तो जीवन में ज्यादातर कार्यक्रम शरीर के अर्थ में ही रहा है, और अब मैं की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। पहले मेरा ध्यान शरीर पर और अपने बात व्यवहार पर ज्यादा रहता था, दूसरों से मैं कैसे बात कर रही हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, और हम मेरा शरीर स्वस्थ रहे इस पर ध्यान रहता था, और ये रहता था कि मैं स्वस्थ रहूं और सभी को सुखी रख सकूं, इस बात पर मेरा ध्यान रहता था। लेकिन अब मेरा ध्यान अपनी कल्पनाशीलता पर, अपने भाव विचार पर जाने लगा है, और काफी जाने लगा है, ये मुझे इस बात का एहसास है। अब अगर मैं अपने कमिटमेंट की बात करूं तो मॉर्निंग सेशन जैसे पूछा गया है यहाँ कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, और स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय लगा सकते हैं। तो अभी मॉर्निंग सेशन में सुन रही हूँ और दिन भर में मेरी कोशिश रहती है कि स्वयं को ऑब्जर्व करती रहूँ, और इससे मेरी कई समस्याओं का समाधान भी मिला है। और मॉर्निंग सेशन के सिवाय मैं लगभग 1 घंटे का समय दे पाती हूँ। अभी मैं जो मध्य प्रदेश की स्कूल एजुकेशन कंटेंट डेवलपमेंट की टीम है उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ स्कूल एजुकेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक डेवलपमेंट का काम हुआ था उसमें मेरी भागीदारी थी, और लगभग 2 साल तक ये पूरा टेक्स्ट बुक और वर्कबुक डेवलपमेंट का काम चला। अब तो जुलाई से वो बुक्स स्कूल्स में आ भी गई हैं। तो इस भागीदारी पा बहुत सारे बिंदुओं पर अपने अंदर क्लियरिटी, अस्पष्टता मेरे को बनी। और अब उससे आगे बात करूं तो अभी टीचर मैनुअल बन रहा है, उसमें भी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, तो उसमें भी भागीदारी देने के प्रयास में मैं हूँ। और पार्टिसिपेशन को मैं इस तरीके से देख पाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सहयोग कर रही हूँ, बल्कि दिखता है कि मुझे सहयोग मिल रहा है मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे खुद में कैसे इम्प्रूव होना है उसमें मुझे एक बहुत ही सहयोग मिलता है। तो जी दीदी, इतनी मेरी शेयरिंग थी, और आप सभी का जी धन्यवाद, और सभी को फिर से एक बार नमस्ते। जी दी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे से अपनी शेयरिंग को रखा। कुमार भैया से निवेदन करूंगी, भैया आप दीदी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक दें। जी
बढ़िया दीदी, प्रियंका दीदी और प्रियंका दीदी के हस्बैंड हिमांशु राय सर, आप दोनों लोग गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं। हिमांशु सर तो पूरा समय लगा रहे हैं, प्रियंका दीदी जिस कॉलेज में है वहाँ भी एक अच्छी संभावना बन रही है, एज ए टीम कॉलेज में कई साथी काम कर रहे हैं और दीदी की गति भी अच्छी है। मुझे लगता है कि अभी दीदी की जो भागीदारी रही है टेक्स्ट बुक और वर्क बुक को डेवलप करने में, उससे और आगे दीदी थोड़ा सी भागीदारी और बढ़ाएं, फेस टू फेस वर्कशॉप में, ऑनलाइन वर्कशॉप में कुछ और अगर भागीदारी हो तो और अच्छी गति बनेगी। दीदी बारीकी से ध्यान देती हैं, अपना मूल्यांकन करती हैं और परिवार में भी आप लोग का जाना हुआ तो मैं देखा आपके बच्चों के साथ भी जिस तरह का व्यवहार है, आपस में जिस तरह का वातावरण है, वो बच्चों के विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है, अनुकूल है। परिवार जब साथ में ही पूरे गति करने लगता है और साथ साथ समझने लगता है तो सभी की गति स्वयं स्फूर्त रूप से बढ़ती है, तो एक बहुत अच्छी अनुकूलता है। कॉलेज में भी जिस तरह का वातावरण है, कॉलेज को एक नोडल सेंटर बनाने के लिए आप लोग और गंभीरता से काम कर सकते हैं। कॉलेज में थोड़ा सा भी लीडरशिप बदली है, जो डायरेक्टर थे पहले जो इस पूरे काम को लेकर आगे चल रहे थे, अब वो बदल कर दूसरे डायरेक्टर आ गए हैं, तो अभी देखना होगा कि कॉलेज में कैसा वातावरण अब बनता है। वैसे कॉलेज ऑटोनॉमस होने जा रहा है तो काफी स्कोप है, अगर कुछ और फेस टू फेस वर्कशॉप्स होते हैं काइट में और वैल्यू एजुकेशन सेल इफेक्टिव हो पाता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और कॉलेज से और साथी भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ पाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, एक अच्छी संभावना बनेगी। तो दीदी के लिए अवसर है कि कॉलेज में इंटेंसिवली काम कर सकती हैं, घर में इंटेंसिवली काम कर सकती हैं और जो बीच की टीम है उसके साथ जुड़कर और फैल के भागीदारी कर सकती हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो मेरी तरफ जी से ढेर सारी शुभकामना दीदी, शुभकामना और बधाई। जी भैया, धन्यवाद भैया। कॉलेज में हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यू सेल है, हैप्पीनेस एंड कॉग्निशन सेंटर के नाम से, और प्रॉपरली रन हो रहा है। एवरी थर्सडे हमारी मीटिंग होती है 3:30 to 4:30, और उसमें कंटेंट पर डिस्कशन होता है और कैसे आगे काम किया जाए, इस बात को कॉलेज में कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा होती है। तो वहाँ पर एक ही अच्छा काम हो रहा है। अभी एक वर्कशॉप भी रखी गई थी MBA के स्टूडेंट्स के लिए, समाधान के नाम से बच्चों से प्रश्न लिए गए थे और फिर उस पर चर्चा हुई थी, तो वो एक अच्छी वर्कशॉप रही थी। और अभी मैं भैया ग्रुप 11 जो है उसकी उसमें हूँ। उपासना दीदी का बहुत सहयोग मिल रहा है वहाँ पर, तो इतना मैं अभी आगे मतलब प्रयास कर पा रही हूँ। जी भैया, जी बढ़िया दीदी, कॉलेज आपका ऑटोनॉमस कब तक होने की संभावना है? भैया लेटर आ गया है तो जो कमिंग सेशन है उससे हो अच्छा जाएगा। हाँ जी, ऑटोनॉमस हो जाएगा फुल। जी, जी, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोनॉमस में। जी तो अमित जी तो पहले जैसा कह रहे थे कि कई सारे कोर्सेज में इसको डालने के लिए और एक अलग से पूरा प्रकोष्ठ बनाकर चलने के लिए, तो अगर वैसी संभावना बनी रहती है तो आप लोग के पास तो बहुत काम आएगा फिर। जी भैया, वैसे बात हो रही है तो अभी देखते हैं कि कितने कोर्सेज रन हो पाते हैं। जी हाँ, एक अलग से बन जाए तो उस पर बात हो रही है, देखते हैं उसकी कितनी फाइनली वो कितना ग्राउंड पर आता है वो भी देखना है। जी भैया, जी बढ़िया जी, जी प्रियदर्शन भैया दीदी नमस्ते। जी, धन्यवाद भैया, जी धन्यवाद प्रियंका दीदी।